तो आज मैं जो है करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ, वो भी काट के। तो मैंने यहाँ पे धो के काट के करेले रख लिए हैं, और मैं आज प्याज भी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज लिए 250 ग्राम, और ये मैंने दाल ली है, ये चने की दाल है। हमने कोई भी दाल नहीं डालनी, सिर्फ यही दाल डालनी है। इसके बाद मैं जो है ना करेलों को, मैंने करेले जो है ना कढ़ाई में रख लिए हैं इस तरीके से। हमने काट के गोल गोल मैंने सेक में काट रखे थे, और मैं साथ में डाल दूंगी प्याज। तो आप दाल के साथ प्याज करेले बना के देख लीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैं चना दाल डाल रही हूँ। आपने करेले प्याज की तो सब्जी बहुत खाई होगी, एक बार दाल डाल के खा के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं करेले। तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी, और मैंने डाल दिया इसमें नमक 1 चम्मच भर के। हमें नमक को मिक्स कर दूंगी मैं इसमें। तो हमें क्या करना है, इसको उबाल लगाना है। सिर्फ हमें 10 मिनट तक हमें इसको पकाना है करेलों को, और हमारी प्याज भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और दाल भी हमारी गल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, और गैस की फ्लेम मैंने तेज कर दी थी, तो इसमें एक उबाल आ चुका था। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। फिर से हमें इसको पकाना है। तो मैंने फिर से कवर कर दिया था, जो है मेरे करेले बन के जो है ना उबल के तैयार हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक स्टील की बर्तन लूँगी, और ये करेले को, पानी को मैंने फेंक देना, करेले करेले को मैंने साइड कर लेना। और इसके बाद जो है ना ठंडा करने के लिए इसको हम रख देंगे। तो मेरे करेले जो है ठंडे हो चुके थे। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो करेले करेले है ना वो हमने हाथों से निकालने हैं, और उनका जो पानी एक्स्ट्रा है ना उनको हाथों की मुट्ठी की मदद से उनको नचोड़ लेना, ताकि पानी जो हमारा नीचे निकल जाए। और ध्यान रखिएगा, दाल नहीं जानी चाहिए, सिर्फ करेले करेले लेने। अगर आपकी थोड़ी यानी प्याज जा सकती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ करेले जाने चाहिए, दाल नहीं जानी चाहिए। तो मैं ऐसे नचोड़ नचोड़ के रख लूँगी थोड़ी घनी, अगर दाल हमारी जो है साथ में चली जाती है, क्योंकि दाल को हम भूनेंगे करेले के साथ तो दाल हमारी कड़क हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है इसका। तो मैंने यहाँ पे जो है ना करेले को साइड रखा था, निचोड़ के अच्छे से रख लिया है, और ये मैंने प्याज और दाल को अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें डाल दिया सरसों का तेल, 1 चम्मच डालूँगी सौंफ, हमें 1 चम्मच फुल भर के डालनी है। उसके बाद डालूँगी मैं हींग, इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने कूट लिया था अदरक लहसुन के पेस्ट को, तो इसको हमें कुछ सेकंड तक भूनना है। तो तेल गर्म था तो मेरी जो है वो भून चुके थे। तो मैं आप इसमें डाल रही हूँ सिर्फ करेले, करेले को हमने अच्छे से चटकाना है तेल में, जाके जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता करेले का, और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो हमें बीच बीच में चलाते रहना, और इसको 2 मिनट पे हम पलटते रहेंगे इसको, जाके जो करेले हमारे नीचे जले ना और अच्छे से सिक जाएंगे हमारे करेले, इसमें से कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसको मुझे 6 से 7 मिनट हो गए चलाते चलाते, और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है इनका। तो अभी हमें इसको और भूनना है। तो देखिए ये मेरा पूरी तरह से करेले जो है ना भून चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्याज और दाल ली थी वो इसमें डाल दूँगी। तो दाल मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मैं करेले के साथ भूनती तो दाल हमारी कड़क हो जाती। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर रखी है। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें 1/2 चम्मच अमचूर, थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि मैंने बॉईल किए थे करेले तो उसमें नमक डाला था मैंने। थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं लाल मिर्ची,
और इसको हमें चला लेना अच्छे से। और देखिए कितने कम मसाले में जो है ना करेले हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इसको हमें कुछ सेकंड तक पकाना है, सिर्फ जब हमारे जो मसाले हैं वो थोड़ी उसमें से खुशबू निकल जाती कच्चे बन की। तो देखिए हमारे जो करेले हैं बन के तैयार हो चुके हैं। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखना, करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनती है सूखी सूखी। तो मेरे करेले बन चुके हैं, मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर मेरे आपको करेले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हो चुके हैं, एक बार ही आप खुद ट्राई करके देखना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में। बाय।